कुमार और आप देख रहे हैं माम बे न्यूज। आज हम जेबी केस और जेल कैम को लेकर बस बस सभी को, आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरे ओर से झारखंडी जोहार। और आज का दिन बहुत शुभ है हम, जिस तरह के आज पूरे लोगों ने अपना अधिकार के सड़कों पर उतर करके अपने अधिकार का एकता का परिचय दिया, उसी तरह आज हम लोगों को आज और जेल कैंप के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी आई कि आज हमारी पार्टी के रजिस्टर होते हुए हमारी चुनाव चिन्ह आज हो गया और हम लोग एक अपने सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी, आज का दिन हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा है। जी, देखिए रवि जी, मैं आपके माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं अभी दर्शक, मैं उनको सभी को मैं खतियानी जोहार करता हूं। और सबसे बात है कि हमारे पहली बार जेबी के जेएलकेएम के समर्थित माननीय दीपक कुमार गुप्ता जी हमारे सभा से चुनाव लड़े और उनका कैची छाप और सत्रह एक ऐतिहासिक रहा है पूरे इंडिया के, जो हमारे स्वतंत्रता रहा है देश की आजादी में, हमारे शहीद जयमंगल पांडे नाम लोगों का हमारे क्षेत्र में बलिदान रही है और उसी क्षेत्र का जो चुनाव चिन्ह पहला जेएलकेएम का मिला कैची छाप माने दीपक कुमार गुप्ता जी का, और वो हमारी पार्टी को आज मिल गया है। तो ये मेरे चतरा वासियों के लिए, चतरा लोकसभा, चतरा विधानसभा, सिमरिया विधानसभा के लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है। और मैं आज मैं आपके चैनल के माध्यम से क्या बता, इतना खुश हूँ कि मैं अब शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। नहीं, इसमें तो देखिए जितने भी जेबी केसेस को चाहने वाले लोग थे, जेबी केसेस को समर्थन देने वाले थे, हम लगातार लोगों से संपर्क कर रहे थे तो लोगों का एक ही कहना था, हम तो आपके हैं लेकिन आपका सिंबल कब आएगा, क्या होगा, ये हमसे ज्यादा एक एक लोग झारखंड के लोग थे, एक एक वोटर लोग चिंतित करते थे और ये सवाल हम लोग उसे लगातार पूछा करते थे। और वो समय अब खत्म हो गया है कि अब हम लोग अपना